हे गाइस, हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं विनीति पाटकर आप सबके साथ फिर से एक ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। इस मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपको आगे पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते जाऊँगी कि किस तरह से बनाया जाता है, दिखाते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, ये है मूंग और चना जिसको हमने भिगो कर रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो अब इसमें पूरे तरीके से जड़ निकल चुकी है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे सुबह सुबह खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है गाइस। तो हम इसे अब एक कटोरे पे ले लेंगे। इस तरह से हमने दे दिया है, हमने कुछ काट के रख लिया, प्याज काट लिए हैं, हरी मिर्ची, टमाटर और ये है नींबू। ये सारी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने लिया है थोड़ी सी नमकीन, बाजार वाली नमकीन। तो इस तरह से आप सब लेके रख लेंगे और हम फिर इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं प्याज ऐड कर रहे हैं और मिर्च और साथ ही टमाटर। इस तरह से हम ऐड कर देंगे इस पे। अब हम इस पे डाल देंगे नमकीन। इस तरह से हमने नमकीन डाल दिया। इस नींबू को हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे गाइस। इस तरह से हम इसमें नींबू को निचोड़ के ऐड कर देंगे। अब इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इस तरह से हमने अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप लोग चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, पर हम मुझे इसी से करना अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत फास्ट होता है मिक्स और अच्छे तरीके से मिल जाता है नमक। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चना और मूंग का चाट बनकर रेडी हो चुका है गाइस। सुबह सुबह इसे जरूर ट्राई करें, खाएं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और रेसिपी जरूर ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। बाय बाय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय गाइज़।